आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस बनकर सामने आई नई मुसीबत भी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब जिस ब्लैक फंगस को ऑक्सीजन और सैटेलाइट का कोरोना संक्रमित मरीजों में इन्फेक्शन मान रहे थे, वह अब बिना कोविड संक्रमित युवक में पाया गया है। दरअसल यह मामला रीवा के संजय गांधी अस्पताल का है, जहां प्रदेश सहित विंध्य का यह इकलौता मामला सामने आया है। बता दें कि जिस युवक में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, उसकी ना तो कोविड हिस्ट्री में ली है और ना ही उसे ऑक्सीजन व सैटेलाइट लगा। इस मामले के सामने आने के बाद अब डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए कि फिलहाल डॉक्टर मरीज की जांच और इलाज कर रहे हैं। ज्ञात हो कि कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों की आंखों में ब्लैक फंगस हमला करने लगा है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने पर ब्लैक फंगस मरीजों की जान तक ले रहा है। अब डॉक्टर सिर्फ मरीजों के कोविड इलाज में उपयोग होने वाली दवाओं का साइड इफेक्ट मान रहे थे, लेकिन अब नए मामले ने डॉक्टरों की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल एक मरीज को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां अभी तक डायग्नोस में फंगस इन्फेक्शन के लक्षण मिले हैं। यहां मरीज का इलाज जारी है, लेकिन अब तक मरीज की हिस्ट्री कोविड से जुड़ी नहीं मिली है। रीवा के इस मरीज की हिस्ट्री ने अब डॉक्टरों के शोध और रिसर्च को भी उलझा दिया है। माना जा रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो यह लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इधर अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में अधिकांश लोग प्रभावित हुए हैं। माना जा रहा है कि कई लोग संक्रमित हुए लेकिन दवाइयाँ लेकर घरों में ठीक हो गए और उन्हें जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ऐसे लोगों की कोविड हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वह संक्रमित जरूर हुए होंगे। आपको बता दें कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 12 मरीज भर्ती हैं, जबकि कुछ में लक्षण पाए गए हैं।